दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप आपके फ़ोन में कितने ऐप्स डाल सकते हो? आखिर कितने ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद मेरा फ़ोन हैंग हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है या फिर मेरा फ़ोन ख़राब हो सकता है? क्या ऐसी कोई नंबर्स है ऐप्स इंस्टॉल करने की कि हाँ, इतना सारा हम हमारे फ़ोन में ऐप्स को इंस्टॉल, यानी कि लिमिटेशन है हमारे फ़ोन के लिए, इतना सारा ऐप्स हम हमारे फ़ोन में डाल सकते हैं? ये जो सवाल है ना, शायद आपने कभी ना कभी तो सोचे होंगे। तो यही सवाल का आंसर मैं आपको बहुत ही आसान एंड क्लियर भाषा में समझाने वाला हूँ, तो चलिए समझ लेते हैं। तो समझने से पहले इधर आप लोग दो चीज़ देख लीजिए, एक है रनिंग सर्विसेज और दूसरा है मेरी अपनी फ़ोन की रैम कैपेसिटी, और तीसरा जो दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो है फ़ोन की प्रोसेसर। मेरे फ़ोन में लगा है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अब सबसे पहले समझते हैं कि रनिंग सर्विसेज दिखाना ज़रूरी क्यों था या फिर ये समझना क्यों ज़रूरी है। गाइस, रनिंग सर्विसेज में आप लोग देख सकते हो मेरे फ़ोन में अभी क्या क्या एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है, मतलब कि चल रहा है या फिर प्रोसेस हो रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हालांकि आपके फ़ोन में आप नहीं देख सकते हो, मे बी आप लोग थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, लेकिन हाँ, मेरे फ़ोन में अभी के लिए कस्टम रोम लगा है सीएड्रॉइड, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक फीचर मिल जाता है जहां से मैं जो है यहां पर रनिंग सर्विसेज आप लोग को दिखा पा रहा हूं। तो रनिंग सर्विसेज में हम वही चीज देखते हैं जो कि बैकग्राउंड में अभी के लिए यूज हो रहा है। पहली बात, फोन की खुद की एप्लीकेशन से सिस्टम ऐप्स है जिसको चलाने के लिए बैकग्राउंड प्रोसेसेस हमेशा चलता रहता है। मान लीजिए कैमरा एप्लीकेशन या फिर कॉन्टेक्ट्स या फिर मैसेजिंग या फिर कोर एप्लीकेशन या फिर सिस्टम की जो भी एप्लीकेशन है उसको चलाने के लिए रैम खुद ब खुद यूज होगा, यानी कि फोन यूज करेगा। तो ये है मेन एंड्रॉइड की फंक्शन। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम ऊपर से और भी कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे, 30 या फिर 40 मैक्सिमम, मान लीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह बहुत सारे ऐप्स हमने इंस्टॉल कर लिए है, तो उसके लिए अलग से प्रोसेसेस, यस, ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर हमारे फोन में रैम की एक लिमिटेशन है, मान लीजिए आपके फोन में 3GB रैम है या फिर 4GB या फिर 6GB, हो सकता है कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपके फोन में हार्डवेयर में जितना ज्यादा फंक्शंस होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके फोन में पीछे की तरफ 4 कैमरा से फ्रंट में एक कैमरा है या फिर आपकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उसके लिए यानी कि हार्डवेयर के लिए सिस्टम के अंदर कुछ ऐप्स देना जरूरी है। तो जितना ज्यादा आपके फोन में फंक्शंस होगा उतना ही ज्यादा सिस्टम ऐप्स ज्यादा होगा आपके फोन में, यानी कि एंड्रॉइड खुद आपके फोन में जो OS है वो खुद बहुत ही ज्यादा रैम यूज करेगा, जो कि जरूरी है आपकी फोन में जितनी भी सारी हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए। तो यहां पर एक आइडिया आपको देता हूं, आजकल जो भी स्पेसिफिकेशंस हार्डवेयर के साथ आ रहा है उसके लिए मैक्सिमम 2.5 या फिर 3GB रैम यूज करता है खुद फोन, यानी कि स्मार्टफोन। मान लीजिए आपके फोन में 6GB है तो खुद 2.5 या फिर 3GB यूज करेगा, ठीक है, और ऊपर से 2GB एक्स्ट्रा फ्री रहेगा, तो उसको यूज करेगा बाकी सारे एप्लीकेशन जो आप लोग डाउनलोड करोगे ऑनलाइन से या फिर प्ले स्टोर से, मान लीजिए व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर फेसबुक। तो मान लीजिए आपने 30 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपके फोन में इंस्टॉल की है, तो उन सारी एप्लीकेशंस की जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है ना वो ऑन होगा जब आप लोग उस ऐप को एक बार ओपन करोगे पहली बार, तब से जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है उन सभी एप्लीकेशंस की वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, मान लीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप जितनी ज्यादा ऐप्स आपके फोन में इंस्टॉल करोगे उतना ही ज्यादा पीछे यानी कि बैकग्राउंड में प्रोसेसेस ज्यादा होता ही रहेगा और रैम भी ज्यादा यूज होगा। नंबर 2, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर ये नहीं देखेगा कि आपके फोन में कितना रैम है, मान लीजिए 6GB, तो प्रोसेसर को वो समझ में नहीं आएगा। प्रोसेसर क्या करेगा, आपके फोन में जितनी भी प्रोसेसेस है जैसे कि रनिंग सर्विसेस या फिर अभी के लिए आप जो है गेम खेल रहे हो या फिर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रोसेसेस है उसको चलाएगा, यानी कि प्रोसेसर ये नहीं देखता है कि आपके फोन में कितना रैम खाली है या फिर कितना ज्यादा रैम यूज हो रहा है या फिर कितनी आपके फोन में रैम है, ठीक है। लेकिन प्रोसेसर की एप्स इंस्टॉलेशन के साथ और एक काम है, क्योंकि गाइस रनिंग सर्विसेज जितना ज्यादा होगा प्रोसेसर उतना ही ज्यादा यूज होगा, यानी कि आपकी फोन उतना ही ज्यादा हीट होगा और आपकी फोन उतना ही जल्दी डैमेज होगा। मान लीजिए आपकी फोन 3 साल तक आराम से चल सकता है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐप्स आपके फोन में इंस्टॉल करके रखा है तो वो फोन मैक्सिमम 1.5 साल तक ठीक ठाक चलेगा या फिर बैटरी ठीक से मतलब आप लोग जो है यूज कर पाओगे। तो आप लोग समझ चुके हो, तो रनिंग सर्विसेज, रैम एंड प्रोसेसर, अगर हम इन 3 पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दे तो यहां पर एक लिमिटेशन बन जाता है ऐप्स इंस्टॉलेशन की। तो शायद आप लोग मतलब अभी तक समझ चुके हो, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक आइडिया देता हूं। देखिए गाइस, हमारे फोन में प्रीबिल्ट बहुत सारा ऐप्स आता है, यानी कि कंपनी, फोन कंपनीज बहुत सारा ऐप्स देता है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन पैसा कमाना है तो वो कंपनी तो करेगा ही करेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी मेरे फोन में कंपनी बहुत सारा ऐप्स इंस्टॉल करके दी है, तो उसके लिए बैकग्राउंड प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा मतलब हमेशा चलता रहता है, और ऊपर से अगर मैं और भी ज्यादा ऐप्स इंस्टॉल
करूं तो मेरा फोन बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकता है, चाहे आपके पास फ्लैगशिप फोन क्यों ना हो। अगर मान लीजिए आपके फोन में 4GB रैम है और आपके फोन में एक मिड रेंज प्रोसेसर है, तो मैं आपको कहूंगा 80 यानी कि 80 से ज्यादा एप्स आपके फोन में कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। मान लीजिए फोन में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल 50 एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आप लोग ऊपर से एक्स्ट्रा 25 या फिर 30 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा डाउनलोड करके रख सकते हो, उससे आपके फोन खराब नहीं होगा। अगर आपके फोन में 6GB रैम है और प्रोसेसर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम आप लोग जो है 90 to 100, और अगर आपके फोन में 8GB रैम है तो मैक्सिमम 130 एप्स इंस्टॉल करो। अगर आपके फोन में 12GB रैम है तो मैं कहूंगा 150 से ऊपर मत जाओ। हालांकि आपके फोन में प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होगा और आपके फोन में रैम भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 12GB कम नहीं है, लेकिन फिर भी फोन के लिए ये बेस्ट सुटेबल है अंडर 150, ठीक है, 150 से नीचे आपको एप्स जो है रखना है। और इतना सारा एप्स वैसे भी हम इंस्टॉल नहीं करते, तो आप लोग समझ चुके हो आखिर एप्स इंस्टॉलेशन की क्या कोई लिमिट है या फिर नहीं, आखिर मामला क्या है, और साथ ही साथ फोन कंपनीज कितना गलत करता है ये भी आप लोग समझ चुके हो। देखिए गाइस, कुछ टेकी लोग हैं जो YouTube में आकर बोलेंगे कि नहीं ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन गाइस वो झूठ है, एक्चुअल में लिमिटेशन है हमारे फोन के लिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अगर पसंद आया है ना तो एक लाइक जरूर ठोक देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक बार भी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं की है ये बोलकर, लेकिन लास्ट में मैं आपको कहता हूं प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल नया है, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।